बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है साजिद। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 8, नामन क्लेचर ऑफ अल्किन्स। तो जो अल्किन का नामन क्लेचर है, ये भी बिल्कुल ना अल्केन जैसा ही है। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट आता है डबल बॉन्ड की पोजीशन का, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। तो पहला स्टेप इसका भी क्या है, कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज द पेरेंट चेन। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ ए फ्राम एन टू इन। अब करना क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि इसमें हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, और लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सेलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर डबल ई बॉन्डेड जो कार्बन के दोनों एटम हैं वो दोनों आने चाहिए। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी गई है। तो इसमें देखते हैं कौन सी हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला कार्बन, ये वाली, ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो सकती है एक तरीका, एक तरह से दूसरे सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन आते हैं। और दूसरी तरह से ये हो सकती है ऐसे, यानी इस तरह से भी हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ऐसे। क्यों? अगर हम ऐसे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे ऐसे, तो इसके अंदर ये वाला कार्बन आता है डबल बॉन्ड वाला, ये वाला नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अब यूँ इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन आइटम की तादाद सेम है। सबसे पहले तो आपने वो वाले करने होते हैं ना, वो वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर कार्बन आइटम की तादाद ज़्यादा हो। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली है। तो नेम हम इसका बाद में देते हैं, पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, कहते हैं कि नंबरिंग द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन आइटम ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबरिंग स्टार्ट फ्राम दैट एंड, लिखना था यहाँ पे दैट एंड वेयर डबल बॉन्ड इज़ नियर। तो आपने क्या करना होता है, आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी होती है जिस तरफ से जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक पड़ रहा हो। अगर हम इधर से डबल नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को जो वाला कार्बन आइटम है इसको तीसरा नंबर मिल रहा है, तीसरे पे आता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि इस तरफ से क्या हो रहा है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है उसको कम नंबर मिल रहा है। तो 3 ये हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 4 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, नेमिंग हम बाद में करते हैं। तो अब देखते हैं, ये नीचे एक और एग्जाम्पल है। तो इसमें भी लॉन्ग चेन हमारी कौन सी होगी, लॉन्ग चेन आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, ये वाली लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट कर ली है, ये हम अल्केन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। नंबरिंग किधर स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये कार्बन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 6, ये हो जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से हमने क्यों नंबरिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि इधर से अगर हम नंबर स्टार्ट करते हैं तो जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन आइटम है उनको ज़्यादा नंबर मिलता है। इधर से स्टार्ट किया तो कार्बन नंबर जो कार्बन आइटम है डबल बॉन्ड वाला उसको कम नंबर मिलता है। तो हमने क्या किया, इस तरफ से स्टार्ट कर दिए। तो नेमिंग हम बाद में आगे करते हैं, नेमिंग देने का तरीका भी आगे देखते हैं, फिर नंबर इसका नेम लिखते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका सूल है वो है, कहता है कि डेजिनेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। अब ये तो आपको पहले पता है कि हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखते हैं कि वो कौन से कार्बन आइटम पर लगा हुआ है, फिर उसका नंबर लेने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। तो जो हमने अल्केन में पढ़ा है, लेकिन यह अल्कीन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे ये करनी पड़ती है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन भी मेंशन करना पड़ती है कि वो कौन से कार्बन आइटम पे लगा हुआ है। जिस तरह से ये है तो इसका हम नाम लिखते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो सारी की सारी लॉन्ग चेन हो जाएगी। तो नंबरिंग किस तरह स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4। तो इसका जो हम नेम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने नहीं लिखना, हम लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन मेंशन करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड की, और पोजीशन वो वाले कार्बन की लिखनी है यहाँ पे जो पहले हो, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 1, और ये क्या है, जो 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और लेकिन जो अल्केन का एन आता था उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वो हम रिप्लेस कर देंगे इन से, तो ये आ जाएगा 1-ब्यूटीन। क्लियर हो गया, इस तरह से हमारे पास ये एक कंपाउंड है।
तो ये सारी की सारी लॉन्ग चेन हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले एल्केन में, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। क्लियर हो गया। अब ये पांच कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कौन से पे है, कौन से कार्बन पे है, पहले पे तो जाएगा 1, फिर हम हाइफन डालेंगे पेंटीन 1 पेंटीन, क्योंकि हमने क्या करना है अल्केन का जो एन होता है उसको इन से रिप्लेस करना होता है, ये फर्स्ट रूल था। आगे हमारे पास है क्या, फोर्थ रूल, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बाय द नंबर टू विच दे आर अटैच। अब ये कहता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर, वो वाला नंबर जिस कौन से नंबर वाले कार्बन आइटम पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा, पहले वो नंबर लिखेंगे कार्बन का, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के बाद अगर क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे, पोजीशन मेंशन करने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा जो उसका हम उसके अंदर कार्बन आइटम की तादाद लिखेंगे। अब देखते हैं तो हम, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हम लॉन्ग चेन इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जोन से मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रेट चेन ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट भी नज़दीक पड़े तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि इस तरफ से क्या है सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है 3 पे, तो हम क्या लिखें, 2 पे सॉरी 2 पे लगा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे 2, और इसके बाद हमने क्या डालना है, इसके बाद हमने डालना है हाइफन, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, वो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम पे, 2 पे स्टार्ट होता है, 3 वाले का नहीं लिखेंगे, जिसका नंबर कम होगा उसका लिखेंगे, इधर से 2 पे पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो हाइफन डालेंगे 2, और पेरेंट इसके अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने हैं, 4 कार्बन एटम है स्ट्रेचन के अंदर, तो क्या लिखेंगे, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ ब्यू, और ये है क्या एल्कीन, तो हम क्या लिखेंगे इन लिखेंगे, ये हो जाएगा 2-methyl-2-butene, ठीक हो गया। इस तरह से ये है, अगले वाला है हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम लॉन्ग चेन कई तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्बन आइटम की तरह क्या उनमें बराबर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ठीक रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग हमेशा उस सिरे से सेट करते हैं जिधर से क्या हो, ये कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक पड़े, तो इधर से ये क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 5, ये क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 6, यानी ये हमारे पास हेक्सीन है। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कितने लगे हुए हैं, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इसका लगा हुआ है 2 ग्रुप पे, दूसरा लगा हुआ है 5 पे, और तीसरा भी क्या लगा हुआ है 5 वाले कार्बन पे, तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर कॉमा डालेंगे, फिर क्या डालेंगे हम 5, क्योंकि 5 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, दूसरा भी 5 पे लगा हुआ है, फिर कॉमा 5, और फिर हमारे पास कितने मिथाइल हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये हमारे पास ट्राई मिथाइल हो गया, और हमारे पास डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे है, तो यहाँ पे डालेंगे हाइफन 2, फिर क्या डालेंगे हाइफन, ये जगह नहीं नीचे लिख रहा हूँ, ये कितने कार्बन वाली एल्कीन है, 6 वाली, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सीन, आप आगे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दी है हेक्सीन।